हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आज मैं आप सबसे अपनी एक रचना जिसे मैंने क्लास 9th में लिखा था, बहुत पुराना हो चुका है पर अक्सर मैं उस रचना को गुनगुनाता रहता हूँ, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी वो रचना शेयर करूँ। जब हम लोग क्लास 8th में या 9th में पढ़ते थे तो मैं, मेरा दोस्त रजत, उसका छोटा भाई राहुल, मेरा छोटा भाई रत्नेश, हम लोग कुछ कुछ गाते थे, रजत बजाया भी करता था तबला वगैरह, और मतलब अपनी खुशी के लिए हम लोग स्वयं ही अपनी एक महफिल जमाते थे और उसमें गाया करते थे। और मेरा रजत बोलता था कि अगर मैं इंजीनियर बन भी जाऊँ या ही इज़ इंजीनियर नाउ, तो भी मैं अपनी एक संगीत का टीम बनाऊंगा और गाऊंगा ज़रूर, ठीक है। अगर वो मुझे सुन रहा होगा, अभी देख रहा होगा, तो उसे भी सारी बातें याद आ रही होगी। और मैं उस समय गाने लिखा भी करता था, मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और कुछ गाने हैं मेरे पास अभी भी बहुत सारे पड़े हुए, और उसी दौरान मैंने ये गाना लिखा था। और जब मैं, हम लोग 10th पास कर गए, फिर ये जो संगीत की जो दुनिया थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोग साइंस की दुनिया में चले गए, फिर इंजीनियरिंग करना है, न्यूटन्स लॉ और लैमनीज थ्योरम में ही हम लोग रह गए, फिर सब कुछ बदल गया। खैर, वो गीत जो है, जो मैंने लिखा था, मैं आज भी गुनगुना रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों से अपने उस संगीत को, उस गीत को शेयर करूँ। सो प्लीज़ लिसन, I hope you all enjoy it, okay? ये जीवन है दुख का सागर, डूब गया संसार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार। ये जीवन है दुख का सागर, डूब गया संसार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार। है सुख तेरे जीवन में तो कभी ना इतरइयो, दुख है तेरे जीवन में तो फिर भी ना घबराइयो। ये जो लाइन है इसका आप गलत मतलब नहीं निकालिएगा, ठीक है। मेरा बस इतना ही कहना था कि सुख हो या दुख हो, इंसान को हमेशा एक जैसी भावना रखनी चाहिए, ठीक है। लोग सुख दुख को पाप और पुण्य से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जो दुखी है वो पापी है या फिर जो सुखी है वो पुण्यात्मा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन सुख दुख का हिस्सा, सुख दुख जो होते हैं वो जीवन का हिस्सा होते हैं, और जब हम जीवन में हैं तो हमें सुख और दुख दोनों से गुजरना पड़ेगा। प्रभु श्री राम और माता जानकी जब इस धरती पर आए थे तो उन्हें भी दुख हुआ था, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। माता जानकी का तो पूरा जीवन ही दुख में बीता है, ठीक है। तो इसलिए जो दुखी हैं, जो लोग कष्ट में हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, ठीक है, वो पापी नहीं है, उन्हें तिरस्कार नहीं देना है, ठीक है, वो सभी अपने हैं। और आपको भी अगर तकलीफ़ है तो ऐसा नहीं कि आपने कोई पाप किया है, ठीक है, करना चाहिए, इंसान को अच्छा ही करना है, हमें अच्छा करना है, अच्छे कर्म करने हैं, हमेशा अच्छा करना है, ठीक है, ओके। मैं ज़्यादा लेक्चर देने लगा, मैं आपको गाना सुनाने आया था, ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ओके, लेट्स बी कंटिन्यू। है सुख तेरे जीवन में तो फिर भी ना इतरइयो,
दुख है तेरे जीवन में तो फिर भी ना घबरइयो, सुख दुख दुख सुख है यही जीवन, जीवन का है सार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार, क्या करे अन्नपूर्णा माया कोई किसी का न भाए, मनुज मनुज का सत्तु बन के रोटी छीन के खाए, क्या करे अन्नपूर्णा माया कोई किसी का न भाए, मनुज मनुज का शत्रु बन के रोटी छीन के खाए, अन्न की कमी ना इस दुनिया में फिर भी भूखा जाए, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार, ये जीवन है दुख का सागर डूब गया संसार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार, प्रेम है तेरे जीवन में तो सब कुछ तेरे पास, प्रेम का दौलत सबसे ऊंचा खुशी है इसका दास, प्रेम से हुआ इस दुनिया का श्रृंगार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार, ये जीवन है दुख का सागर डूब गया संसार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार, थोड़ी सी खुशी मिली तो गम मिला पार, नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।